भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया, 30 अज्ञात ट्रक चालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। खरीक थाना क्षेत्र के नच 31 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप साइड मांगने में ट्रक चालक द्वारा एक्सयूवी सवार के साथ मारपीट कर जख्मी करने के मामले में अज्ञात ट्रक चालकों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संदर्भ में खगड़िया के हरदास गंज निवासी भास्कर सिंह के बयान पर मारपीट और गोलीबारी की प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 30 अज्ञात ट्रक चालकों को आरोपित किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए एसआई एनएन मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मालूम हो कि रविवार की देर शाम साइड मांगने पर एनएच 31 बगड़ी चौक के समीप ट्रक चालक और एक्सयूवी सवार में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक्सयूवी सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। युवाओं का सर्च अभियान जारी, ढेर सारे अवशेषों के साथ खोज निकाला पत्थर का मुहर। मुहर पर अंकित है हिरण का चित्र, बौद्ध मठ से भी जुड़ी हो सकती है सभ्यता। मिले कई तरह के महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व वाली चीजें। जब कभी नौगछिया के इतिहास का जिक्र आता है तो 18वीं सदी के पूर्व नौगछिया क्या था, कैसा था, कहाँ था, इस सवाल पर लोग अनुत्तरित हो जाते थे। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि चूंकि नौगछिया दो नदियों के बीच में है, इसलिए यहाँ पर 500 वर्ष पहले जीवन संभव नहीं रहा होगा। लोग सीधे शब्द में यह भी कह देते थे कि नौगछिया में तो सिर्फ बालू और पानी ही था, लेकिन बिहपुर प्रखंड के ग्वारीडी में पुराने अवशेषों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की सभ्यताएं भी नियमित थी। जिस तरह आज प्रशासनिक रूप से पुरातात्विक महत्व वाले स्थान के रूप में ग्वारीडी के सामने आने के बाद भी इसे नजरअंदाज किया जा रहा है, उसी तरह हमेशा से नौगछिया अनुमंडल को चर्चा के केंद्र से बाहर रखा गया। चले कि बीपुर प्रखंड के ग्वारीडी में गांव के युवाओं ने अविनाश कुमार चौधरी के नेतृत्व में रविवार को भी ग्वारीडी जाकर सर्च अभियान चलाया। सर्च के क्रम में एक पत्थर का मुहर बरामद हुआ। विद्वानों की सलाह पर गीली मिट्टी पर मुहर को उकेरा गया तो पता चला कि मुहर पर हिरण का छाप है। उक्त मुहर के संदर्भ में रांची विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंदो घोष ने कहा कि हिरण के छाप वाली मुहर एक समय में बौद्ध मठों में प्रचलित था, लेकिन अभी कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ तस्वीरों का ही अध्ययन किया है। लेकिन यह तय है कि उक्त मुहर काफी पुरानी है, इसे भी मध्ययुगीन सभ्यता के प्रमाण से ही जोड़कर देखा जा रहा है। सर्च अभियान में एक सुंदर कलाकृति वाला मिट्टी का एक ढांचा मिला है, जिसकी आकृति कलश के समान है। इसके अलावे कई टूटे फूटे सामानों के भी अवशेष मिले हैं। अविनाश ने कहा कि वे गांव के युवाओं के साथ लगातार सर्च अभियान में लगे हुए हैं और सामान मिलते ही उसे घर लाकर सुरक्षित कर रहे हैं। सर्च अभियान में सुधांशु कुमार, आलोक कुमार, राजकुमार चौधरी, फंटू सिंह, विकास सिंह, समीर अली, पैक्स अध्यक्ष विकास कुमार भी थे। नवगछिया में शिवरात्रि कमेटी की हुई बैठक, 26 जनवरी को होगा भव्य पूजन। नवगछिया महाशिवरात्रि समिति के सभी सदस्यों की बैठक जगतपति नाथ महादेव मंदिर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि युवा नेता प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने किया। बैठक में आगामी 26 जनवरी को मंदिर में स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में शिवलिंग अर्घा पूजन की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें तय हुआ कि पूजन कार्यक्रम के बाद भंडारा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में आगे 30 जनवरी को आयोजित होने वाले भगवान शिव शंकर के तिलकोत्सव की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें तय हुआ कि भव्य तरीके से तिलकोत्सव मनाया जाएगा। और बैठक में आगामी 19 जनवरी को आयोजित होने वाली मानव श्रृंखला में सहभागिता पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में अरुण कसेरा, किशनलाल शाह, संतोष शाह, अमित गुप्ता,
अमर गुप्ता, विक्की कुमार, प्रवीण भगत, दीपक भगत सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी। नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से दसवीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0437-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए, नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का। नवगछिया राज्य टीम में नवगछिया से राहुल मुकुल अंकित करेंगे प्रदर्शन। बिहार बॉल बैडमिंटन टीम का प्रशिक्षण मोतिहारी में 20 से भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के निर्देशानुसार बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ एवं पूर्वी चंपारण जिला बॉल बैडमिंटन संघ के संयुक्त तत्वाधान में एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल गायघाट पूर्वी चंपारण में 24 से 26 जनवरी तक आयोजित होगी। द्वितीय युवा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता बालक एवं बालिका में भाग लेने वाली बिहार टीम का प्रशिक्षण शिविर 20 जनवरी से मोतिहारी में आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के प्रवक्ता सह जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि युवा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली मेजबान बिहार टीम में नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ से बीपुर बाजार निवासी राजकिशोर शाह के छोटे पुत्र राहुल कुमार व जय कृष्ण शर्मा के छोटे पुत्र अंकित कुमार शर्मा एवं नवगछिया निवासी दिलीप पद्दार के छोटे पुत्र मुकुल कुमार का चयन हुआ है। नवगछिया में CAA के समर्थन में जागरूकता अभियान। भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल के नेतृत्व में सोमवार को CAA के समर्थन में जन जागरण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर खरी मंडल के अठनिया खैरपुर पंचायत में नुक्कड़ सभाओं और कई बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, भाजपा नेता सत्य प्रकाश झा, प्रोफेसर भोला कुमार, गगन चौधरी इत्यादि मौजूद थे। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों के बीच वितरित किया गया मुफ्त भोजन। सामाजिक संस्था सेवार्थ के सक्रिय सदस्य पिंटू सिंह ने अपने पुत्र यश कुमार के जन्मदिन पर नवगछिया रेलवे स्टेशन परिसर में भूखे एवं जरूरतमंद लोगों के लिए स्वार्थ रोटी बैंक नामक कार्यक्रम के तहत निःशुल्क भोजन का वितरण किया। कार्यक्रम में पूरी सब्जी और बुनिया की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को कंबल भी बांटा गया। आयोजित इस कार्यक्रम में सेवार्थ के संयोजक सह उपाध्यक्ष पंकज कुमार भारती ने कहा कि इस तरह का आयोजन समाज के लिए एक मिसाल है। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। इसमें कोई भी अपने जन्मदिन, शादी, सालगिरह एवं अन्य उपलक्ष्य में सहयोग कर सकते हैं। मौके पर समाजसेवी प्रवीण भगत, बाबा गणिनाथ सेवा समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त शाह, रंजीत शाह, विष्णु गुप्ता, पवन कुमार सेवार्थ के संयोजक सह बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, सेवार्थ के संयुक्त सचिव पुरुषोत्तम कुमार, DP सिंह, धर्मेंद्र कुमार, पिंटू कुमार, ओम प्रकाश सिंह, आमिर शाह, मनोज केजरीवाल, ताई कमांडो संघ के सचिव घनश्याम प्रसाद सहित कई अन्य मौजूद थे। प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। राजीव गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर, राजीव गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर, महेंद्र लस्सी वाले के पास लोहार गली नवगछिया। महेंद्र लस्सी के पास लोहार गली नवगछिया, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा खिलौने एवं गिफ्ट की दुकान, राजीव गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर। नवगछिया मकनपुर चौक से नवगछिया बाजार सड़क पर लगा भीषण जाम। जाम के कारण आपातकालीन संपार बंद करने के बाद गुजरी माल ट्रेन। नवगछिया मकनपुर चौक सड़क पर सोमवार को भी भीषण जाम लगा रहा। नवगछिया बाजार आने जाने वाली मुख्य सड़क पर जाम लग जाने के कारण नवगछिया बाजार आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जाम लगने का मुख्य कारण FCI गोदाम से बड़ी संख्या में ट्रक व ट्रैक्टर की आवाजाही व हर 15 से 20 मिनट में संपार फाटक के बंद होने के कारण लग रहा था। सोमवार की संध्या समय काफी जाम
की स्थिति और वही ज्यादा भयावह हो गई थी। हर 10 मिनट में संपार खुलने व बंद होने के कारण सोमवार की संध्या समय संपार पर एक बार फिर अफरा तफरी की स्थिति हो गई। सोमवार की संध्या समय जाम की स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई थी। हर 10 मिनट में संपार खुलने व बंद होने के कारण सोमवार की संध्या समय संपार पर एक बार फिर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जाम रहने के कारण संपार खुलने के बाद वाहनों की आपाधापी शुरू हो गई थी। इस दौरान कटिहार की ओर से माल ट्रेन आने की सूचना हो गई। जाम रहने के कारण संपार कर्मी संपार को बंद नहीं कर पा रहे थे। संपार कर्मी ने वाहनों को साइड कर हाथ से बंद करने वाले संपार फाटक से संपार को बंद किया। इसके बाद माल ट्रेन गुजरी। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। नौगछिया बाजार की ओर नौगछिया थाना तक वाहनों की लंबी कतार पहुंच गई थी, जबकि दूसरी ओर वाहनों की लंबी कतार मकनपुर चौक तक थी।